अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी जी, कल से नवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है, आप मुझे बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपकी पूजा में हेल्प कर दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, वो मैं कर लूंगी। वैसे भी तुम्हारे हाथों से पूजा करवा के हमें पूजा अशुद्ध नहीं करनी। नाह जी, आप प्लीज बैठ जाइए, ऐसे खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाते। खाना खाते वक्त बात भी नहीं करते, पता नहीं लोगों को कब ये बात समझ में आएगी। हम भी अपना खाना रूम में ही खाएंगे। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सोनी जी, मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। हर्षी बिना खाना खाए चले गए। हाँ तो रूही, तुम्हें नवरात्रि पूजा की बात अभी करने की क्या जरूरत थी? खाना खाने के बाद भी तुम बात कर सकती थी ना। जानती हो ना, इन आहार को पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मैं उसे खाना खिला दूंगी। मैंने कहा जाओ। माँ जी, आपको रूही से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने सोनी? हाँ, तुम मुझे समझाने के बजाय अपने बच्चों को संभालो। तीनों के तीनों रूही की पूछ बनते जा रहे हैं। नाहर तो जोरू का गुलाम बन ही चुका है। रूही की एक और भी बहन है, पता है ना? कहीं तुम्हारा दूसरा बेटा भी। माँ जी प्लीज, प्लीज माँ जी। अरे लाओ लाओ लाओ, मैं इसे अभी धोकर ले आती हूँ, साफ हो जाएगी। पर दादी, मशीन की मोटर तो खराब हो रखी है और उसे तो बस भाभी अच्छे से चलाना जानती हैं। तो फिर तुम जाकर धोकर ले आओ पलक। हाँ दादी जी, मशीन में तो मैं धो ही दूंगी, लेकिन ये दाग ना मशीन से नहीं जाएगा। अब कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है ना। अब पिंकू जी, हम मार्केट चल के ना दूसरी ले आते हैं, और वैसे भी अब आगे तो घर हमें ही संभालना है ना, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर हम घबरा थोड़ी सकते हैं। चलिए पिंकू जी, हम मार्केट चलते हैं। बढ़िया ही, सब संभालने वाली। सोचा था मशीन इस्तेमाल करेगी तब मैं अपना खेल शुरू करूंगी, लेकिन अब कुछ और सोचना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर के सारे त्योहार, सारी पूजा मेरे हिसाब से होंगे। इस पलक के हिसाब से तो मैं इस घर का पत्ता भी ना हिलने दूं, पूजा तो दूर की बात है। Can't believe this. वैसे भी तुम्हारे हाथों से पूजा करवा के हमें पूजा अशुद्ध नहीं करनी। दादी, मुझे लगा था इतना कुछ होने के बाद दादी को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन नहीं, उन पे तो असर ही नहीं हो रहा है, और मुझे नहीं लगता वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे। अब मुझे ही रूही को खुद अपना सच बताना होगा। लेकिन अगर मैं रूही को सच बता दिया उसके बाद क्या होगा? क्या वो मुझसे नाराज हो जाएगी? क्या क्या उसे दुख होगा? क्या वो
घर छोड़कर चली जाएगी? क्या मेरी बात को समझेगी, मुझे सुनेगी? क्या करूं मैं? छोटी मां, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज इस वक्त जाइए। ना, मेरी बात तो सुन, मुझे नहीं पता था माँ जी इस हद तक चली जाएंगी। बस छोटी मां, प्लीज ये खाना लेकर चले जाइए, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा छोटी मां, एक सच छुपाने के लिए एक लड़की के साथ ये बर्ताव किया जाता है हमारे घर। हाँ, लेकिन ये कोई छोटा सच तो है नहीं ना, सोच अगर इस सच के बारे में लोगों को पता चला तो क्या होगा। बस मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा, अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। प्लीज अब जाइए इस वक्त। ये तो वही कुर्ता ना जो मैं कल पूजा में पहनने वाला हूँ। हाँ, अब इसमें सब्जी गिर गई थी तो मैंने रगड़ रगड़ के धोया, वो सब्जी का दाग तो देखिए कैसे साफ हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। लेकिन ये कुर्ता गीला रह गया, ये सूख ही नहीं रहा है, बाहर मौसम भी खराब है। दादाजी ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू बेटा। दादी जी आपके लिए भी चाय। हाँ मेरे लिए रख दो चाय, अगर मशीन ठीक होती ना तो झट से ड्रायर में सुखा देती है कुर्ता। कोई बात नहीं पूनम, मैं दूसरा कुर्ता पहन लूंगा। अब दादी जी कोई बात नहीं, ये कुर्ता ही तो सुखाना है ना, आप मुझे दे दीजिए, मैं मशीन में सुखा दूंगी। लेकिन बेटा मशीन तो खराब पड़ी है ना। नहीं दादाजी, उसकी ना एक टेक्निक है, पहले वो मेन स्विच ऑफ करके फिर उसमें कपड़ा डाल के ना ड्रायर को बंद करना होता है और फिर ही मेन स्विच ऑन करना होता है, फिर उसके बाद ना वो मशीन चल जाएगी। मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। लाइए दादी जी, मैं सुखा दूंगी। ठीक है बेटा। ना जी प्लीज खाना खा लीजिए। प्लीज रोई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ना जी, चिंता का गुस्सा खाना पर नहीं निकालना चाहिए। रोहित, चिंता का गुस्सा खाने पे उतारने से कुछ नहीं होगा। ना जी प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। मुझे तो ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की खुशियों की बहार हो। नाजी अब ठीक तो है ना? पानी लंबी लंबी सी डगर। नाजी ये लीजिए।
ब्रह्मा जी, देखिए मैं जानती हूँ आप रूही को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है रूही के साथ वो बहुत गलत है। नहार को इस बात से बहुत तकलीफ हुई माँ जी, और उसने अब तक खाना नहीं खाया है। खाना नहीं खाया? अंदर जाके देखो, खाने की प्लेट खाली हो चुकी है। सोनी, तुम रूही को जितना सीधा समझती हो ना, वो उतनी सीधी है नहीं। घर में सब पर जादू टोना कर रखा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जरा उससे बच के रहना। खाना नहीं खाया? जी, अब खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है। अब एक मिनट। ये वाले टॉफी, ये तो बचपन में बहुत खाता था, मेरी फेवरेट थी। पता है? कैसे पता तुम? वो अपनी दीदी से बातों बातों में पता चला कि ये आपकी फेवरेट है, और मेरे घर के पास वाली किराने दुकान में ये अभी तक मिलती है, इसलिए मैंने वहां से मंगवा लिया। थैंक यू। रूही का मन कितना साफ, कितना सुंदर है। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती है। इसको सच जानने का पूरा हक है। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।